साउथ फिल्में बेहतर या फिर बॉलीवुड, ये बहस इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पर छाई हुई है। सुदीप किच्चा और अजय देवगन के बीच जुबानी जंग के बीच अब बॉलीवुड को लेकर साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू ने भी विवादित बयान दे दिया। महेश बाबू ने हाल ही में अधिविशेष की फिल्म मेजर, जिसके वो प्रोड्यूसर हैं, के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर अपनी राय बताई। मीडिया संग बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकती, इसलिए वो हिंदी फिल्मों में काम करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। महेश बाबू के इस बयान के बाद सिनेमा जगत से लेकर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। महेश बाबू ने भले ही हिंदी फिल्मों में काम ना किया हो, लेकिन उनकी दक्षिण भारतीय फिल्में उत्तर भारत में भी काफी पसंद की जाती हैं। इसी वजह से क्या धनुष या दुलकर सलमान की तरह वो भी बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे, इसे लेकर फैंस के बीच में हमेशा से ही उत्सुकता रही है। 2008 के मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर बनी फिल्म मेजर के महेश बाबू प्रोड्यूसर हैं। इसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान महेश बाबू से जब हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। बतौर अभिनेता पहली हिंदी फिल्म कब रिलीज हो रही है आपकी? तेलुगु फिल्म रिलीज होगा वो हिंदी में। बता दें कि महेश बाबू बतौर एक्टर इस वक्त अपनी अगली फिल्म सरकारों वारी पाटा की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो 12 मई को थिएटर में रिलीज होगी। महेश बाबू ने हाल ही में OTT पर आने को लेकर भी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो बड़े पर्दे के लिए हैं और वो डिजिटल यानी OTT पर आने के बारे में सोच नहीं सकते। इसी मीडिया इंटरेक्शन के दौरान महेश ने हिंदी यानी बॉलीवुड डेब्यू को लेकर भी बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक्टर महेश बाबू ने कहा, मुझे बॉलीवुड से बहुत ज्यादा ऑफर्स नहीं मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे अफोर्ड भी कर सकते हैं। मैं वैसी इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहता जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। जो स्टारडम और रिस्पेक्ट मुझे साउथ में मिली है वो काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने कभी अपनी इंडस्ट्री को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। मैंने हमेशा फिल्में करने और बड़े बनने के बारे में सोचा है। मेरे सपने अब पूरे हो रहे हैं। मैं अब और अधिक खुश इंसान नहीं बनना चाहता। CelebrityNetworth.com की रिपोर्ट के मुताबिक महेश बाबू के पास $30 मिलियन यानी कि 222 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उनके पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक आलिशान बंगला है, जिसकी कीमत तकरीबन 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा उन्होंने बंगलुरु में भी घर खरीदा है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है। महेश बाबू की गिनती साउथ के महंगे एक्टर्स में होती है। वो एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए लेते हैं। इसके अलावा वो साउथ के कई बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन भी करते हैं, जिससे उन्हें मोटी कमाई होती है। महेश बाबू अब तक 39 फिल्मों में काम कर चुके हैं। सिर्फ महेश बाबू ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई और बड़े जाने माने सितारे हैं जो कि बॉलीवुड में काम करने से इनकार कर चुके हैं, जिसमें पुष्पा के अल्लू अर्जुन से लेकर रश्मिका मंदाना, अनुष्का शेट्टी, नयनतारा और विजय देवरकोंडा जैसे कई स्टार शामिल हैं। बात करें महेश बाबू की पर्सनल लाइफ की, तो उनकी शादी 90 के दशक में हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर से हुई है। महेश बाबू का जन्म चेन्नई में हुआ है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने लीड एक्टर के रूप में पहली बार 1999 में रिलीज हुई राजा कुमारू फिल्म में काम किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महेश बाबू फिल्मों के अलावा अपनी पत्नी और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारों में से एक मानी जाने वाली नम्रता शिरोडकर की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। दोनों की शादी को 1.5 दशक से ज्यादा हो चुका है। यही नहीं, नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों के बीच में 4 साल का फर्क है, लेकिन ये फर्क कभी उनके प्यार के बीच में नहीं आया। नम्रता शिरोडकर ने साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू की पहली मुलाकात तेलुगु फिल्म वामसी की शूट के दौरान हुई थी। ये फिल्म साल 2000 में आई थी। फिल्म की शूटिंग के खत्म होते होते दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था, लेकिन दोनों ने ही अपने रिश्ते को किसी को नहीं बताया। 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 10 फरवरी 2005 को दोनों ने शादी कर ली। अपनी शादी से पहले ही नम्रता शिरोडकर ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह देंगी। शादी के 1 साल बाद ही नम्रता शिरोडकर के बेटे गौतम का जन्म हुआ। शादी के 3 साल बाद ऐसी खबरें आने लगी थी कि दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इसके बारे में दोनों ने कभी खुलकर बात नहीं की। नम्रता शिरोडकर ने साल 2012 में बेटी सितारा को जन्म दिया। नम्रता शिरोडकर और महेश बाबू अब अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि महेश बाबू का फिल्म इंडस्ट्री पर ये बयान देना नई कंट्रोवर्सी पैदा कर सकता है। आपका महेश बाबू के इस बयान को लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।